नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि 20 मई 1498 में वास्को डी गामा भारत के कैलीकट में पहुंचा, जहां पर उनका स्वागत उस वक्त के राजा जमोरिन ने किया, पर मेरा सवाल आपसे ये था कि किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया वह मानचित्र जिसे देखकर वो भारत की खोज के लिए निकला, जिसमें उसने समुद्री रास्ता खोजते हुए भारत की तरफ पहुँचा। ठीक है, तो मेरा सवाल ये था और इसका उत्तर है आपका अलीदृशी। अलीदृशी ने इस मैप को 1154 में बनाया था, जिसका इस्तेमाल क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा ने भारत की खोज के लिए किया, जिसके तहत वास्को डी गामा तो भारत पहुंच पाया पर कोलंबस कभी भारत नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसके अंदर एक त्रुटि थी कि उत्तर दिशा को दक्षिण में और दक्षिण दिशा को उत्तर में उसमें दिखाया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे यूरोपियन भारत नहीं पहुँच पाए। धन्यवाद।